इनकम टैक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये ही है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है। तो डिडक्शन के बारे में समझाने से पहले, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के बारे में समझाने से पहले एक नज़र मैं पूरा इनकम टैक्स के पैटर्न के ऊपर डालता हूँ। जैसे कि इनकम टैक्स 1/3 सेम में आप लोग पढ़े थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस, कैपिटल गेन में इधर लिख दिया, असल में चौथे नंबर पे आना चाहिए वो। तो अभी ये सेम में है सो आप कैपिटल गेन, अदर सोर्स वगैरह पढ़ रहे। तो हकीकत ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से एक शख्स 5 जगह से इनकम कमा सकता, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से। इन पूरे जगहों की इनकम को एक जगह कर लेते हैं, इस काम को क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं, और क्लबिंग ऑफ इनकम। और ऐसा करते वक्त थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी करना रहता, हो सकता कि हाउस प्रॉपर्टी दो हो, एक से नुकसान हो, एक से इनकम हो, दो किस्म के बिजनेस हो, तीन किस्म के बिजनेस हो, कहीं नुकसान हो, कहीं इनकम हो, तो आपस में एडजस्टमेंट्स करना पड़ता। इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। तो बहरहाल वो पूरे एडजस्टमेंट से गुजर के इन पांचों जगहों की इनकम को एक जगह कर देते, जिसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 लेस करते हैं। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 बहुत सारे रहते हैं, मैं आऊँगा अभी उसके बारे में थोड़ी देर में। फिर वो अंडर सेक्शन 80 लेस करने के बाद जो आंसर आता है उसको टोटल इनकम बोलते हैं। अब ये टोटल इनकम को सबसे पहले 250,000 नील, मतलब अब उसके ऊपर टैक्स निकालना है, इनकम टैक्स निकालना है। तो रूल क्या है, 250,000 तक नो टैक्स, फिर 250 से 5 लाख तक 5% का टैक्स, फिर 5 लाख से 10 लाख तक है सो 20% का टैक्स, फिर 10 लाख अबाउट जो भी रहेगा उस पर 30% का टैक्स। ये पूरा टोटल इनकम टैक्स कहलाता। अगर ये टोटल इनकम कम है, 350,000 से भी कम है, तो सबसे पहले रिबेट माइनस किया जाता 2,500 रुपये का। फिर इसके बाद में एजुकेशन सेस 3%, जिसमें हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस इंक्लूड है, एक 2% है, एक 1% है। एजुकेशन सेस 2% है, हायर एंड सेकेंडरी 1% है, कुल मिला के 3% है। आंसर पे 3% जोड़ना तो टैक्स लाइबिलिटी आ जाता। अब ये 10 रुपये के राउंड ऑफ में दिया जाता, मान लीजिए कि इनकम टैक्स आपका 2,495 रुपये आया, तो ये आ जाना चाहिए 2,500 रुपये, 5 रुपये जोड़ दो। अगर यही 2,094 आया तो ये आना चाहिए 2,490 रुपीज़। 10 रुपये का राउंड ऑफ करते इधर या उधर, बस ये इनकम टैक्स भर दिया जाता। तो इनकम टैक्स निकालने का यही प्रोसीजर है, यही असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी है। चलो अब मैं डिडक्शंस के बारे में समझा दूँ। डोनेशंस अंडर सेक्शन 80 को लेकर के बहुत लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अगर कभी किसी को डोनेशन अंडर सेक्शन 80 के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और डिडक्शन वाले प्रॉब्लम सुकून से कर सकता। गिने चुने डोनेशंस हैं जिनके बारे में आप लोगों को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। मैं एक एक करके डोनेशंस के बारे में अब आपको समझा देता हूँ, शॉर्टकट में समझाता हूँ, अच्छे से समझा दो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बात आती डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की। 80C सेविंग के लिए रहता, क्वालिफाइड सेविंग के लिए। सबसे पहले है 80C, क्वालिफाइड सेविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। इसका टोटल जो भी है ले लेना, कहीं वो 1.5 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, चेक कर लेना, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। फिर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, आप पेंशन में से सैलरी का कुछ अमाउंट जमा करा रहे, वो भी अंडर सेक्शन 80CCC कहलाता। फिर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, इसको अंडर सेक्शन 80CCD बोलते हैं, ये भी लिखते रहा। अब इन तीनों का टोटल कहीं 1,50,000 से बढ़ के तो नहीं आ रहा, चेक कर लेना, क्योंकि 1,50,000 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, ये हमारे को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCE में कहा गया सो है। इन तीनों का टोटल कहीं आगे तो नहीं निकल जा रहा, ये चेक करने का काम है 80CCE का।
ATCCE लिमिट तय करता कि इन तीनों का टोटल 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो लिख दो, अगर ज़्यादा है तो 1.5 लाख ही लिखो। मसलन अगर कभी 2 लाख आ रहा टोटल तो 1.5 लाख ही लिखना। हाँ, अगर 1,30,000 आ रहा तो लिख सकते हैं आप। फिर बात करेंगे अंडर सेक्शन 80D की। 80D में मेडिकल क्लेम्स के बारे में लिखा जाता। सबसे पहले है अंडर सेक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आम लोगों के लिए 25,000 है और सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन के लिए 30,000 है। इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर क्लेम आपको 50,000 दे रहा प्रॉब्लम में तो आप 25,000 ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। हाँ, अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो आप 30 भी लिख सकते। अब 80DD, हैंडीकैप लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कभी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैंडीकैप पर्सन का करा रहे, तब आपको 75,000 रुपये तक लिमिट है, माफ़ कर सकते। और अगर कभी कुछ ज़्यादा ही हैंडीकैप है वो इंसान, तो 1,25,000 की लिमिट है, इतना लेस कर सकते। फिर बात करेंगे अपन अंडर सेक्शन 80DDB की, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिकल डिजीज, मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारियों के बारे में, कैंसर वगैरह। तब एक मामूली इंसान को, मतलब 60 साल से कम उम्र वाले इंसान को 40,000 है, सीनियर सिटीजन को 60,000 है, सुपर सीनियर को 80,000 है। चलो अब आगे बढ़ेंगे 80E। 80E जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर एजुकेशन लोन है तो उसको 80E बोलते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम में देगा पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। फिर 80EE, 80EE जो है ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस है। रहने के मकान के लिए अगर कभी आप बनाने करने के लिए लोन लिए है तो उसका ब्याज आप बन रहे हैं, तो लिमिट 50,000 है, 50,000 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। चलो अब बात करेंगे डोनेशंस की। 80G, 80G में पूरे डोनेशंस आते हैं। सबसे पहले 80G, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि यूनिवर्सिटी। अगर नेशनल सेविंग्स, अगर कभी आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड को, रिलीफ फंड को अगर कभी आप डोनेट कर रहे तो 100% रहता। इसकी भी कुछ लिमिट रहती, 100% करते। अगर कभी अदर यूनिवर्सिटी है तो 50% करते, जैसा इग्नू वगैरह है तो 50% रहता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को अगर कभी आप कर रहे तो 100% रहता। नो लिमिट का वही मतलब है, 100%, जितना भी दे रहा पूरा लिख देना। फिर 80GG, रेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को 60,000 तक की लिमिट है। फिर 80GGA, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च, कोई लिमिट नहीं है और आप 10,000 तक नकद भी दे सकते हैं, 10,000 रुपये तक। इससे बढ़ के अगर आप देना चाह रहे, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे, तो आपको चेक में पेमेंट करना पड़ेगा। फिर है 80GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, कोई लिमिट नहीं है लेकिन आप नकद नहीं दे सकते, पूरा का पूरा अमाउंट चेक में ही देना पड़ेगा या अदर देन कैश में देना पड़ेगा। फिर है 80QQB, डोनेशंस ख़त्म हो गए वहाँ पर। 80QQB और 80RRB रॉयल्टी के लिए रहता। रॉयल्टी यानी कि प्रोडक्शन के बेसिस पे या फिर किसी यूनिट के बेसिस पे, सेल्स ऑफ यूनिट के बेसिस पे लिया जाने वाला रेंट, एक किस्म का रेंट जो कि ऑथर वगैरह को दिया जाता। तो ऑथर के लिए अगर कभी रॉयल्टी आप दे रहे हैं किताब लिखने वाले के लिए, तो 3 लाख की लिमिट है। और RRB में पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी है, 3 लाख की लिमिट है। दोनों भी लिमिट 3 लाख ही है। फिर है 80TTA, ये इंटरेस्ट ऑन SB डिपॉजिट है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा तो आपको 10,000 तक का माफ़ है। अगर 20,000 है तो 10 ही लेना, 15 है तो 10 ही लेना, अगर 6 है तो 6 ले सकते, 10 से बढ़ के नहीं ले सकते। आखिरी पॉइंट है 80U, यह ब्लाइंड हैंडीकैप पर्सन के लिए है। ये 75,000 रुपये तक लिखना है। अगर ब्लाइंडनेस कुछ ज़्यादा ही है, दोनों आँख का अंधा व्यक्ति है, तो 1,25,000 भी ले सकते, नहीं तो 75,000 लेने का रूल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर हैंडीकैप ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट फॉर हैंडीकैप पर्सन, नॉर्मल आदमी को 75, सीवियर पर्सन को 1,25,000। तो ये है डिडक्शंस। अगर किसी को डिडक्शंस आते
तो वो इनकम टैक्स का कोई भी प्रॉब्लम कर सकता, असेसमेंट आप इंडिविजुअल कर सकता और डिडक्शन भी कर सकता।